हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोलू जी टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली है सिर्फ वीवो यूजर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक वीवो की यूजर्स हैं या आपके पास कोई भी वीवो का डिवाइस है तो आपके फ़ोन के अंदर ये सेटिंग डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी हॉटस्पॉट का सेटिंग है उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाईफाई हॉटस्पॉट के बारे में। तो आपने वाईफाई हॉटस्पॉट को कभी ना कभी अपने फ़ोन में यूज ज़रूर से किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी अल्टीमेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर मेरे फ़ोन के अंदर ये सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा अदर नेटवर्क एंड कनेक्शन के नाम से। आपके फ़ोन के अंदर हो सकता है नेटवर्क एंड कनेक्शन के नाम से हो या फिर कनेक्शन के नाम से हो, ठीक है। तो आपको इस सेटिंग को खोज लेना है। तो आपको इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेकंड नंबर पे मेरा है पर्सनल हॉटस्पॉट का ऑप्शन, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये हॉटस्पॉट की पूरी सेटिंग है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक ही फीचर के बारे में बताऊँगा फुल डिटेल में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। आप लोग हॉटस्पॉट का यूज़ तो करते हैं नॉर्मली अपने इंटरनेट को शेयर करने के लिए, आप अपने फ्रेंड को देते होंगे या फिर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव के साथ इंटरनेट को शेयर करने के लिए आप लोग हॉटस्पॉट का यूज़ ज़रूर से करते हैं। तो यहाँ पे आप हॉटस्पॉट को ऑन कर देते हैं, अगला बंदा आता है आपके पासवर्ड को वाईफाई के अंदर डाल के उसके बाद वो आपका इंटरनेट जो है अपने फ़ोन के अंदर चलाने लगता है। तो ऐसे तो वो आपका इंटरनेट यूज कर लेता है, बट आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। कई बार होता है हम लोग किसी के साथ भी इंटरनेट को शेयर कर देते हैं जो भी हमारे रिलेटिव होते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास इतना ही नेट पैक वो यूज़ कर पाएँ, इसके अलावा बाकी मेरा नेट पैक बचा रहे। तो ऐसे में वो जब मूवी वगैरह डाउनलोड करने लगते हैं तो पूरा EMB हमारा साफ़ हो जाता है, पूरा EMB ख़त्म हो जाता है और हम लोग नेट यूज ही नहीं कर पाते। तो उसकी भी सेटिंग मैं बताऊँगा किस तरीके से आप लिमिट वगैरह लगा सकते हो, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं सभी सेटिंग को बारी बारी से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरे फ़ोन का जो हॉटस्पॉट है वो ऑन हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे WPA2 की सिक्योरिटी है और सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो यहाँ पे सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ, देख सकते हैं ये मेरा हॉटस्पॉट है और उसका पासवर्ड सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग के बारे में, जो भी खुफिया सेटिंग है जिसके बारे में आप लोग को नहीं पता उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली ट्रिक है वो आपको मैं बता देता हूँ, आप जब भी किसी के साथ अपने फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव के साथ भी इंटरनेट को शेयर करते हैं तो आप किस तरीके से उसमें लिमिट लगा सकते हैं कि अगला बंदा जो भी आप जिसके साथ भी इंटरनेट को शेयर कर रहे हैं वो कितना MB यूज करे, उसकी लिमिट आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है डाटा लिमिट पर डे यूज, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं डाटा लिमिट पर यूज, ठीक है। उसके बाद ये अनलिमिटेड पर टिक है अभी फिलहाल। तो जब भी मैं किसी को इंटरनेट वगैरह आपको देना हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जो आपके रिलेटिव हैं या फिर आप जिसके साथ भी इंटरनेट को शेयर कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो 500 MB या फिर 100 MB या फिर 200 MB यूज़ करें तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आप ऐसे ही छोड़ दो। आप जैसे ही हॉटस्पॉट आपका ऑन है तो वो कनेक्ट कर लेंगे अपने फ़ोन के अंदर एंड उसके बाद वो जब भी इंटरनेट वगैरह यूज़ करेंगे, जैसे ही वो 100 MB यूज़ कर लेंगे
तो उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर ऑप्शन शो होने लगेगा कंटिन्यू का एंड क्लोज का। तो आप अगर चाहोगे तो आप यहां से क्लोज कर दोगे, और इसके अलावा कंटिन्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो आगे का जो इंटरनेट है वो उनके साथ शेयर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब मैं आपको एक और सेटिंग बताने वाला हूँ जिसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप जिसके साथ 100 MB शेयर कर रहे हो या फिर 200 MB या फिर अनलिमिटेड जितना भी आपके फ़ोन के अंदर है, आप पूरा उसमें कोई बैंड नहीं लगाना चाहते हैं तो वो पूरा ही यूज कर लें। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो अनलिमिटेड पर टिक लगा दीजिए, तो उसमें कोई भी बैंड नहीं रहेगा और वो जितना मन उतना आपका MB यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 100 MB मान लो लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली। तो ये काफ़ी मस्त और अल्टीमेट सेटिंग है, इसके बारे में आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे डोंट ऑटो टर्न ऑफ पर टिक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं किसी के साथ नेटपैक वगैरह शेयर कर रहा हूँ हॉटस्पॉट के थ्रू, तो यहाँ पे जैसे ही वो 100 MB यूज कर लेंगे तो मेरे फ़ोन के अंदर कंटिन्यू एंड क्लोज को ऑप्शन आने लगेगा, और मैं अगर चाहूँगा कि वो यूज़ करे तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा, मैं चाहूँ कि वो ना यूज़ कर पाए तो मैं क्लोज पे टिक लगा दूँगा, तो जो मेरा हॉटस्पॉट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेस करूँगा तो वो ऑफ हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 5 मिनट्स का, अगर आप 5 मिनट्स पे टिक लगा दोगे तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे 100 MB कोई यूज़ कर लेता है उसके 5 मिनट बाद आपका जो भी हॉटस्पॉट कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी सेटिंग है, आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपने जितना भी लिमिट यहाँ पे लगाया है डाटा, जो भी डाटा वगैरह का लिमिट आपने लगाया है उतना डेटा आप जिसके साथ शेयर कर रहे हो उतना जैसे वो यूज़ कर लेते हैं उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा 5 मिनट के बाद। अगर आप 10 मिनट सेलेक्ट करोगे तो 10 मिनट के बाद ये ऑफ होगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली ना ऑफ हो तो यहाँ पे डोंट ऑटो टर्न ऑफ पे आपको क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगा, आपको खुद से इसे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट वाला यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शन अलाउड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको आपको ज़रूर से समझना चाहिए, जो कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे नहीं फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलता है नंबर ऑफ कनेक्शन अलाउड। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, आप कितने लोग के साथ अपना इंटरनेट जो भी आपका हॉटस्पॉट कनेक्शन है आप कितने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सनल PC है या फिर कोई भी आपके रिलेटिव हैं जो कि आपके साथ हैं केवल वही एक पर्सन ही यूज कर पाए, तो यहाँ पे आपको कनेक्शन के अंदर एक भी टिक लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि 2 से 3 लोग या फिर कोई भी यूज कर ले तो यहाँ से 4 से 5 पे आप टिक लगाओगे तो 4 से 5 ही लोग आपके इंटरनेट कनेक्शन यानी कि हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सेटिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आप चाहते हो 3 लोग यूज करें तो यहाँ पे आप 3 पे टिक लगा दोगे 3 कनेक्शन पे, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही इसे कनेक्ट हो पाएंगे, तो काफ़ी अच्छी सेटिंग है। इसके अलावा जो आपको एंड में देखने को मिलता है अदर शेयरिंग मोड, तो मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है ब्लूटूथ के थ्रू आप किसी के पास भी इंटरनेट को शेयर कर सकते हो। कई बार होता है ब्लूटूथ शेयरिंग का ऑप्शन आपको सभी फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाता है, तो आपको इसको ऑन करना है और आप उसके ब्लूटूथ को कनेक्ट करके इंटरनेट वगैरह यूज कर सकते हो। यहाँ से अगर आप अपने इस ब्लूटूथ को ऑन कर देते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं मेरा ऑन हो चुका है। तो इसके बाद कोई भी आएगा और वो अपने फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ को अगर मेरे कनेक्ट कर लेता है तो उसके बाद वो इंटरनेट को यूज कर सकता है बिना अपना डेटा यूज़ किए, तो ऐसे में मेरा जो इंटरनेट है उसके साथ शेयर हो जाएगा वो भी ब्लूटूथ के थ्रू। ठीक है, अगला आपको देखने को मिलता है शेयर फोन नेटवर्क, तो ये USB वाला है जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर डेटा केबल जो होता है आपके फ़ोन की चार्जिंग वाला केबल आप उसको अपने फ़ोन के साथ अटैच कीजिए, और जो आपका USB वाला पोर्ट है उसको आपको अटैच करना अपने PC के साथ, और उसके बाद आप वायर के थ्रू अपने PC में इंटरनेट यूज कर पाओगे अपने फ़ोन का अगर आप इसको ऑन कर दोगे। तो ये भी काफ़ी मस्त और अल्टीमेट सेटिंग है जिसके बारे में आपको आई होप नहीं पता होंगे।
तो यही था हॉटस्पॉट का पूरा सेटिंग, जिसके बारे में मैंने एक एक सेटिंग के बारे में आपको अच्छे से बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।